हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकोनॉमिक्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हॉट टॉपिक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट जीडीपी। देखो, मेनी टाइम्स आपने ये वर्ड सुना ही होगा, ठीक है? आप हमेशा ये वर्ड सुनते भी रहते हो न्यूज में, और कुछ भी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी थोड़ी बहुत भी मूवमेंट फ्लक्चुएशन आती हैं तो सीधा हम जीडीपी सुनते हैं। तो जिनको ये पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये पता हो के भी नहीं पता होता, क्योंकि उनको एक रफ आइडिया होता है जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जी जीडीपी है एग्जैक्टली क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी नेशन के लिए, राइट? किसी भी नेशन के लिए जीडीपी इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंट फॉर एनी कंट्री। इट्स नॉट अबाउट अ डेवलप्ड नेशन, इट्स अबाउट डेवलपिंग एज वेल एज अंडर डेवलप्ड नेशंस टू। तो जीडीपी एक्चुअली में है क्या? सो इस लेक्चर में मैं नितेश वर्मा आई ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग जीडीपी, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक चीज शुरू करने से पहले बता देता हूं कि जो जीडीपी का टॉपिक है वो एक लेक्चर में विल नॉट बी एबल टू कवर अप, एक लेक्चर में हम कवर अप नहीं कर पाएंगे जीडीपी को, ठीक है? एटलीस्ट इट विल टेक 4 lectures। तो इसके आगे आने वाले कंसेक्यूटिव 4 lectures भी आप जरूर देखें, ताकि आपकी जीडीपी के रिगार्डिंग पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन हो एक बोनाफाइड इन्फॉर्मेशन हो, और कभी आप अगली बार न्यूज सुनो या कहीं कभी किसी पब्लिक प्लेस पे हो, किसी सोशल जगह पे आप हो, तो उनके बीच आप कुछ तो बता सको जीडीपी के बारे में, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इस पे आपकी पूरी इकोनॉमी टिकी है। आप सोचो ना, सारे इकोनॉमिस्ट जितने भी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनका अल्टीमेट काम यही होता है कि भाई जीडीपी को कैसे ग्रो किया जाए। तो आप ये सोचो, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री देने के बाद और पूरा वर्ल्ड, मोदी जी इतने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर जीडीपी, कुछ तो बहुत सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का यूज नहीं करूंगा आपको समझाने के लिए, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ आपको जीडीपी क्या है। डेफिनेशन बाद में बताता हूँ, बहुत सिंपल वर्ड में क्लियर करता हूँ। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी, आप कुछ ऐसे समझो, ठीक है? हर साल जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है, 1st of April 31st March, ठीक है? तो हर साल क्या होता है, हर साल हर इकोनॉमी कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, कुछ तो रिपीटेड ही होती हैं, क्योंकि जो हर साल की रिक्वायरमेंट है वो तो बनेंगी। फिर हर साल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, इनोवेशंस होते हैं, तो कुछ चीज़ें नई भी बन जाती हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि हर साल हम प्रोडक्शन करते हैं, आप नहीं करते क्या, हर महीने इनकम नहीं अर्न करते, आपको भी तो हर महीने इनकम चाहिए, ठीक है? तो ऐसे ही हर इकोनॉमी हर साल कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है, आपकी इनकम भी जीडीपी का ही तो पार्ट है। लेकिन कब, जब आप टैक्स भरते हो, वो अभी हम आगे डिस्कशन कर लेंगे व्हाइट इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है? हर साल हर देश कुछ बनाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आपको समझाने के लिए, ये लिखा मैंने गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, बना तो आप दो ही चीज सकते हो, या तो गुड बनाओगे या तो सर्विसेज दोगे, है ना? ठीक है, इसके बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाते हैं, इन हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की एक मेजरिंग वैल्यू होती है ना? और इसके साथ ही में हर गुड्स एंड सर्विसेज की एक मार्केट, नहीं मैं कहूंगा मॉनेटरी वैल्यू भी होगी। अब आप ऐसे समझो, मान लो मैंने एक साल में कुछ मीटर क्लोथ्स बनाए, ठीक है, कुछ मैंने शूज बना दिए, कुछ मैंने एग्स प्रोड्यूस कर दिए, कुछ मैंने वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर दिए, कुछ मैंने मिल्क प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है? तो और कुछ मैंने, मान लो सपोजिबली दिस वॉच, कुछ मैंने वॉच प्रोड्यूस कर दी। तो आप मेरी बात समझो, हर साल हर देश बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, एक सुई से लेके बड़े से बड़े फाइटर प्लेन तक एक साल में हर देश कुछ ना कुछ बनाता है, ठीक है? तो हमने कहा जी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में बनती है, क्या इन हर गुड्स एंड सर्विसेज की कुछ मेजरिंग वैल्यू होगी? ऑफ कोर्स, जैसे कि क्लोथ आप जानते हो बहुत अच्छे से मीटर में नापा जाएगा, शूज हमेशा पेयर में नापा जाते हैं, राइट? एग्स हमेशा डजन में वैल्यू किए जाते हैं, वेजिटेबल्स हमेशा किलोग्राम्स में जाता है, मिल्क हमेशा लीटर में जाएगा, वॉच हमेशा पीसेस में जाएंगे, है ना? एक वॉच कितने की है, दो वॉच कितने की, पीस के साथ जाएगा। अगर इस अकॉर्डिंगली अगर एक नेशन को यह जानना है कि उसने टोटल प्रोडक्शन कितनी करी, तो वो क्या क्लोथ्स में शूज प्लस कर पाएगा? मतलब क्या वो मीटर में पेयर प्लस कर सकता है? क्या वो पेयर में डजन प्लस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या एक नेशन कभी नहीं जान सकता कि उसने टोटल प्रोडक्शन कितने करी है?
सोच के देखो, प्लस तो नहीं कर सकते, कैश का मतलब टोटल प्रोडक्शन नहीं पता चलेगी, चलेगी पता। अब वो पता कैसे चलेगी, इसी चीज के लिए वी फिगर आउट अ वे, एंड दैट वे इज कि भाई मुझे इनकी मेजरिंग वैल्यू को प्लस करना तो नहीं आता, लेकिन क्या इन मेजरिंग वैल्यू, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, इनकी मार्केट में कुछ मनी वैल्यू है क्या? मतलब मॉनेटरी टर्म्स में तो मेजर होते हैं ना, ये टी शर्ट मैं पहन रहा हूँ इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी, ठीक है, ये मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी भी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी, आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो इसकी भी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। मतलब अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्टिव बात करूँ तो इंडिया की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, दैट इज़ रुपी। तो हर चीज़ किस में मेजर होती है, रुपी में। तो हमने ये तो पता चल गया कि भाई अगर मुझे पता चलना है प्रोडक्शन की वैल्यू का टोटल, तो मैं उसको उसकी मेजरिंग वैल्यू में ना लेके मॉनेटरी वैल्यू में तो ले सकता हूँ, ठीक है। अब क्या मैं इसे ऐड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं अब इसे ऐड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेम स्टैंडर्ड यूनिट, मैथमेटिक्स करूँ सेम को तो प्लस कर सकते हो। अगर मैं ये सबको प्लस कर दूँ तो मैं क्या करूँ, समेशन, इट्स सिग्मा, आपको पता ही होगा स्टैट्स में यूज करते हैं समेशन सिग्मा। तो ये क्या है, समेशन ऑफ, किसका समेशन ये है, समेशन ऑफ ऑल, सॉरी समेशन ऑफ क्या, ये मॉनेटरी वैल्यू। तो हमने लिखा समेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू है जी, ठीक है, समेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। ये मॉनेटरी वैल्यू है किसकी, ये मॉनेटरी वैल्यू है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक नेशन ने एक साल में प्रोड्यूस किया है ना। ये मॉनेटरी वैल्यू कहां से आई, जितना भी तुमने प्रोडक्शन किया उसको मैंने मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया और प्लस कर दिया। तो ये समेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जितना भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसकी मॉनेटरी वैल्यू का समेशन, ठीक है, इक्वल टू हम क्या कह देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाइल राइटिंग योर आंसर नेवर यूज दिस एक्रोनिम जीडीपी, ठीक है, एक आंसर आप लिख रहे हो, पहले आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखना है, उसके ब्रैकेट में जीडीपी लिखना है, एंड देयर आफ्टर आप हर जगह जीडीपी यूज कर सकते हो। आप ऐसा मत करना कि आप सीधा जीडीपी बोलना शुरू कर दो, क्योंकि हम एग्जामिनर को बेवकूफ मानते हैं तभी हमें वो मार्क्स देगा, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज आ गई ना, कि जो भी तुमने प्रोड्यूस किया उस सबकी मनी वैल्यू है, उस मनी वैल्यू को तुम प्लस कर दो एंड व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट जीडीपी। तो जीडीपी यही है, इससे अलग कुछ नहीं है। हाँ, सुनने में थोड़ा आसान है, आगे भी मैं यही कहूंगा आपसे कि इतना आसान नहीं है, कैलकुलेशंस ऑफ कोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इसकी, लेकिन है ये, ठीक है, होता यही है कंट्री के अंदर, जितना भी तुम बनाते हो उसकी वैल्यू को जीडीपी। सो ये तो एक रफ आइडिया हो गया आपके पास जीडीपी के बारे में, ठीक है। लेट्स जस्ट हैव अ लुक अबाउट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, ओके। हाँ जी, तो मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया जीडीपी के बारे में, अब उसी को एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करके जीडीपी के बारे में बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा ही था, मैंने आपको एक रफ एस्टिमेशन दिया था कि जीडीपी मेजर कैसे करते हैं, मॉनेटरी वैल्यूज के समेशन से हम क्या करते हैं, जीडीपी मेजर करते हैं। अब उसी चीज की डेफिनेशन देखते हैं, इट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू। जीडीपी क्या है, जीडीपी मॉनेटरी वैल्यूज का समेशन है। अभी दिखाया था ना मैंने आपको एक रफली कैलकुलेशन करके, तो ये वही क्या है, ये मॉनेटरी वैल्यू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की है उनका क्या है, उनका समेशन है, ठीक है। कौन सी चीजों की मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो हर नेशन, अभी पढ़ा था आपने, बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक डिटेल्ड लेक्चर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप जरूर देखना, वो आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम आइडिया आई एम गिविंग यू सम हिंट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। यूज बाय देयर फाइनल यूजर का मतलब क्या है, सपोज इट इज दिस मार्कर, दिस इज द मार्कर, राइट, ये किसी स्टेशनरी शॉप के पास है, वो स्टेशनरी शॉपकीपर क्या करेगा, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू सेल दिस मार्कर इन द मार्केट इन ऑर्डर टू जनरेट सम रेवेन्यू, इजंट इट, ठीक है।
इन सच केस इस मार्कर को हम फाइनल गुड नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से यूज होने के लिए कंप्लीट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि इसको अभी रीसेल किया जाएगा, है ना. लेकिन उसी जगह पे ये मार्कर किसी हाउस होल्ड ने परचेज किया, राइट. अब जब वो हाउस होल्ड इसको परचेज करेगा, तो आप खुद से पूछ के देखो, आप एक हाउस होल्ड हो क्या? आप चीजों को बेचते हो खरीदने के बाद? नहीं, ये आपका नेचर नहीं है. हाउस होल्ड का नेचर क्या है? कंज्यूम करना. तो यहाँ पे इसने लिखा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स की कैलकुलेशन नहीं आती. वो गुड्स जो मार्केट में बिल्कुल बिक गए हैं, हम उनकी वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है. सो इट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन. वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो एक नेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है. हमारा नेशन जितनी भी चीजें प्रोड्यूस करता है एक साल में, वो सब की मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, विदिन इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी. देखो अगेन आगे डोमेस्टिक टेरिटरी. इससे प्रीवियस लेक्चर हमारा यही सब के बारे में था, और डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको समझाया था. अभी इसके ऊपर भी एक प्रॉपर लेक्चर है. अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी अच्छे से पता है तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर एकदम डिटेल लेक्चर जरूर देखना चाहिए, सो दैट आपको आइडिया लगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है. अगेन फॉर द सेक ऑफ सम क्लिम्स और सम आइडिया, आई एम टेलिंग यू डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब एक कंट्री की बाउंड्रीज होती है, ठीक है. ये बाउंड्रीज कुछ लैंड के पोर्शन की तो होती है, प्लस इंटरनेशनल वाटर्स और एयरक्राफ्ट्स का मिलाज ला के कुछ एक एरिया होता है जो हर कंट्री के पास क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो अलॉटेड है, एक कंट्री के थ्रू एडमिनिस्टर्ड है, ठीक है. तो अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में एक नेशन जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा, किसमें? एक फिस्कल ईयर में. व्हाट डू वी मीन बाय फिस्कल ईयर? फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. इंडिया का फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 1st of April to 31st of March, ठीक है. तो एक इस पीरियड के अंदर हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, जितने भी आपके फादर जॉब कर रहे हैं, आपके फादर बिजनेस में हैं, ठीक है, आप में से बहुत से होंगे जो शायद और भी लोग जॉब करते होंगे, ठीक है. तो ये सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, इन सबकी वैल्यू को प्लस किया जाता है कि तुमने कितना टोटल बनाया, ठीक है. और उसी से व्हाट वी गेट आवर जीडीपी. तो फिस्कल ईयर. अब एक बात आपके लिए क्वेश्चन भी साथ में आंसर करता हूं मैं उसका, कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1st of April to 31st March क्यों है. नाउ देयर इज नॉट अ सर्टेन रीजन, कोई एक बोना फाइड इसका आंसर नहीं है अभी तक कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर अमेरा जो हमारा है वो 1st of April ही क्यों है. बट मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं. अगर मैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो हमें जो भी अपना जितना भी हमें हमारा सिस्टम मिला वो किससे मिला? ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 200 साल तक रूल किया, और ब्रिटेन का जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी 1st of April to 31st March है. तो जो बहुत स्कॉलर्स हैं उनका यही मानना है कि सेम रीजन, फॉर द सेम रीजन इंडिया जो है सेम फाइनेंशियल ईयर शेयर करता है, ठीक है. तो ये बात आपको होप समझ में आ गई होगी कि एक साल में जितने भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उन सब की वैल्यू. अब क्वेश्चन ये आता है, मतलब बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर सबकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, है ना, कौन है जो सबकी वैल्यू बताएगा, कैसे पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है. देखो दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है ब्लैक इकोनॉमी, एक होती है वाइट इकोनॉमी, ठीक है. हम एक नेशनल इनकम के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. अगर मैं किसी भी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ऑब्वियसली बात है वाइट इकोनॉमी ही पढ़ सकते हैं ना. ब्लैक इकोनॉमी तो पहले ही छुपी हुई है, उसके डेटा के बारे में, उसके स्टैट्स के बारे में हमें कैसे पता होगा. तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जब हम कंट्री लेवल पे कोई बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें किसके बारे में बात करनी होगी, वो सब चीजें जो डिक्लेयर्ड है, लोगों ने जिस चीज को शो कर रखा है. जो चीज शो नहीं हो रखी कैसे आप जीडीपी में उसको वैल्यूएट करोगे. मतलब मेरा कहने का ये है कि सपोज इटली आपके घर के आसपास कोई ग्रॉसरी स्टोर है, छोटी सी कोई दुकान वगैरह है, डू यू रियली थिंक कि वो आपको जितनी भी ट्रांजेक्शन आप करते हो उसका कोई बिल देते हैं? नहीं, कोई बिल नहीं देते. आप बोलोगे पेन यहां से निकालेंगे, एक पर्ची पे लिख के दे देंगे, जी आपका सामान था मैच कर लो. कोई पक्का बिल तो नहीं है. इसका मतलब अगर पक्का बिल नहीं है सो दे आर नॉट रजिस्टरिंग टू द गवर्नमेंट,
ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट जो हमारा है उनको वो रजिस्टर नहीं करते कि हम इतना बेच के इतना कमा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो छोटी मोटी शॉप की शॉप्स हैं या जितने भी हमारे पास जो भी आप कह सकते हो अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स जितनी भी हो रही हैं, ठीक है, अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही हैं, जीडीपी उनके बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकता। जीडीपी सिर्फ उन गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू बताएगा जिसको हमने गवर्नमेंट को बताया है। जैसे कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लेक्चर्स ले रहा हूँ, मान लेता हूँ कि इन लेक्चर्स के थ्रू मैं साल भर में 20 लाख की सर्विसेज जनरेट करता हूँ, ठीक है, ये सारी सर्विसेज जो मैं दे रहा हूँ इसके थ्रू सपोजिटली मैं 20 लाख की सर्विसेज जनरेट करता हूँ। अब आप एक बात सोचो, मैं साल के एंड में, ठीक है, मैं एक सीए के पास गया, मैंने उसे बोला कि भाई साहब मेरा जो है टैक्सेशन जो है वो कितना लगेगा, मेरा जो आईटीआर है वो फाइल कर दो, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मैंने उनको ये बोल दिया कि सर मैंने साल भर में 20 लाख की सर्विसेज जनरेट की हैं, तो मेरी सर्विसेज को देख करके प्लस जो भी वैल्यूएशन होगी टैक्सेशन की जिस तरीके से वो करेंगे उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को डिक्लेयर हो जाएगा कि एक नितेश वर्मा नाम का पर्सन है जिसका पैन कार्ड नंबर ये है। क्योंकि जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स के केस में आपकी आइडेंटिफिकेशन आपका आधार कार्ड नहीं, आपका पैन कार्ड होता है मेन आइडेंटिफिकेशन आपकी, ठीक है। ऑफकोर्स आधार कार्ड तो लिंक होगा ही होगा बायोमेट्रिक के लिए, ठीक है, लेकिन मेन पैन कार्ड आपका एक होता है विच इज परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो मैंने उनको बताया, गवर्नमेंट को पता चल गया जी नितेश वर्मा नाम का एक बंदा है इस पैन कार्ड से जिसने 20 लाख की सर्विसेज दी, ठीक है। आपके फादर है, आपके फादर सपोजिटली मान लो मार्बल्स का बिजनेस करते हैं, बहुत मोटा बिजनेस है, वो साल भर में मान लो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का वैल्यूएशन करते हैं, अपने सीए को उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने भैया 50 करोड़ रजिस्टर कर दिया। तो ऐसे जितने भी लोग अपनी इनकम को रजिस्टर्ड करवा देते हैं, मतलब जिसका आईटीआर पे करते हैं जो लोग, ठीक है, इनकम टैक्स फाइल करते हैं जो लोग, उस तरीके से जो डेटा है गवर्नमेंट के पास आता है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो, मान लो कोई पर्सन है जो नहीं बता रहा कि मैंने इतना पैसा या इतनी वैल्यू एडिशन किया या मैंने इतना इनकम जनरेट किया, तो गवर्नमेंट को कोई सपने थोड़ी ना आ जाएंगे कि भाई ये बंदा इतने पैसे कमा रहा है, नहीं आएंगे सपने। तो वो चीज जीडीपी में रिफ्लेक्ट भी कैसे होगी, रिफ्लेक्ट तो तब होगी ना जब आपने गवर्नमेंट को बताया होगा। ये चीज आपको समझना है। अब जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी लोग जॉब में होते हैं, ठीक है, और व्हाट इफ आई टेल यू कि बहुत अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे गुरुग्राम है भाई, गुरुग्राम एक बहुत आईटी हब बन चुका है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं और जिनकी सैलरी इस इतने मतलब स्लैब में आती है कि वो टैक्सेबल है, तो कंपनी ऑलरेडी उनका टैक्स काट लेती है, तो फिर वो तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी के अकाउंट्स के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंच ही गया। तो जो छोटी मोटी लाला की शॉप पे कोई जॉब कर रहा है, ग्रोसरी स्टोर पे कोई जॉब कर रहा है, वहां से भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर हम एक रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो मतलब ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है ना इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट्स को, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की ब्लैक इकोनॉमी इंडिया की वाइट इकोनॉमी से कहीं ज्यादा बड़ी है, ठीक है। इंडिया की ब्लैक इकोनॉमी इंडिया की वाइट इकोनॉमी से बहुत ज्यादा बड़ी है, जबकि ये फिगर्स यूएसए और यूके के लिए बहुत अलग, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल अपोजिट है, राइट। मतलब इंडिया में ऐसी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है जिनके ऊपर किसी तरीके का जो लोग हैं जो किसी तरीके का शो नहीं करते कि भाई हमने ऐसा किया। जैसे एग्जाम्पल, मैंने 20 लाख की सर्विसेज की आपसे बात करी, व्हाट इफ मैं गवर्नमेंट को शो करूं मैंने तो उसे 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है भाई, गवर्नमेंट एकदम तोड़ना के पर चल जाएगा कि चलो भैया ऐसे घर चलते छापा मार देते हैं। शिवाजी द बॉस देखिए आपने, वो शिवाजी द बॉस में जो सारे सीन दिखाए हैं वो इसी के ऊपर तो दिखाए हैं कि भैया कमाते हो तुम करोड़ों, ठीक है, मतलब जैसे मर्जी कमाते हो, लेकिन तुम शो करते हो कि जी मैं तो लाख दो लाख रुपए कमाता हूँ। और वैसे भी अगर आप किसी भी फॉर्म को देखोगे, जिस फॉर्म में इंडिया के कोई भी फॉर्म है जिसमें लिखा होगा व्हाट्स योर एनुअल इनकम, आज तक मैंने जितने भी फॉर्म देखे बहुत रेयर फॉर्म्स ऐसे देखे जिसमें लोग लिख दे कि हम 2 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो। पेरेंटल इनकम क्या है जी, अप टू 1 लाख, अप टू 2 लाख, मतलब पूरा जो हमारा देश है वहां पे लोग महीने का मुश्किल से 15-16 हजार रुपए कमा रहे हैं। ये तो फॉर्म्स का स्टेटस है। तो इस बारे में आपने याद रखना है, कभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी आप कोई ट्रांजेक्शन देख के सोचो अरे ये तो जीडीपी में आ रहा होगा, कोई मोची सिल रहा है बैठ करके आप सोचो अरे भाई ये तो जीडीपी में आएगा, नो इट इज नॉट सो।
सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को जीडीपी अपने पास रिफ्लेक्ट कर सकता है जिन ट्रांजेक्शन को डिक्लेयर किया गया होगा इंडिविजुअल्स के थ्रू कि हमने यहाँ यहाँ पे इतना वैल्यू एडिशन किया है और हमने यहाँ यहाँ पे इतना ज्यादा इनकम इस तरीके से अर्न करी है, राइट? ठीक है, सो ये आपका जीडीपी है। इसको एक और तरीके से देखने का, ये तो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो कि हर कोई जानता है। अब हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, जो प्रॉपर डेफिनेशन जो इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज करती है अपने जीडीपी को शो करने के लिए, एंड दैट इज इट इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेरे देश में कंजम्पशन पे लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है, अपने कंजम्पशन पे। और आप अभी बताता हूं क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंट्री में इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। आप याद करो मेरा पहला लेक्चर, जो मैंने पहला लेक्चर आपको जी नेशनल इनकम के बारे में दिया था, उसमें मैंने आपसे एक ही चीज कही थी, एक इकोनॉमी को कंपोज करने वाले चार सेक्टर होते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स उन चार सेक्टर पर डिपेंड करती है। आज वही बात टर्न अराउंड होकर वापस आती है। पहला सेक्टर मैंने कहा था हाउस होल्ड, एंड हाउस होल्ड आर मेंट फॉर कंजम्पशन, तो देश में लोग कंजम्पशन पे कितना खर्च करें। दूसरा सेक्टर मैंने बताया था इकोनॉमी का सपोर्टर फर्म, और फर्म किसके लिए होती है, इन्वेस्टमेंट, राइट? ठीक है, तीसरा सेक्टर मैंने आपको बताया था कौन होता है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, एंड लास्ट व्हाट वी हैव इज नेट एक्सपोर्ट व्हिच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो अगर हम ये पता कर ले कि हमारे देश में टोटल खर्चा कितना है, उस खर्चे से तो पता चल जाएगा ना कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। अगर मैं ब्लैक इकोनॉमी के ट्रांजेक्शन हटाऊ, सोचो समझो, अभी आइडियल इकोनॉमी को लेके चलते हैं, अगर मैं ब्लैक इकोनॉमी को हटा दूं तो आप खर्चा कितना करोगे, जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होंगे, सोच के देखो। अगर हम ब्लैक इकोनॉमी को हटा दें एक बार, तो माने कि ब्लैक इकोनॉमी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं होती, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यह होगा कि खर्चा कितना हुआ होगा, जितने गुड्स बने होंगे। अगर आपकी इकोनॉमी 100 गुड्स बना रही है तो खर्चा भी कितने का होगा, 100 गुड्स के ऊपर ही होगा ना। तो इसीलिए अगर मैं सारे खर्चों को भी याद कर दूं तो आई गेट द सेम रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को इकोनॉमिस्ट सीएसओ, विच इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, बताया था मैंने, इस डेफिनेशन को यूज करते हैं। और इसी के बेसिस पे अभी लेटर ऑन मैं पूरा जीडीपी इवैल्यूएशन आपको शो करूंगा, ठीक है, सीएसओ की जो रिपोर्ट है 2018-19 के जीडीपी की, वो पूरी मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। अब एक चीज आपने थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देनी है, देखो तीन चीजों पर देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मैं एक क्लोज इकोनॉमी का मॉडल लूं, अब यहां से मैं जीडीपी को समझाने के लिए आपके पास दो आइडियाज और दे रहा हूं, एक होती है क्लोज इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो अपने आप को आइसोलेट कर देती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, वो कहती है ना जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ना हमें आपसे कुछ चाहिए, ना हम आपको कुछ दे, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर ही सफिशियंट है, ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन हम यही कर लेंगे, सब कुछ उगाना खाना बर्बाद करना जोड़ना सब हम अपने देश में करेंगे, हमें फॉरेन के कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। इन सच केसेस जो जीडीपी आएगा वो कैसे आएगा, लोगों ने कंजम्पशन पे कितना खर्चा, इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा, और गवर्नमेंट ने कितना खर्चा, नेट एक्सपोर्ट्स आएगा क्या उसमें, उसमें तो नेट एक्सपोर्ट्स आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो कौन सा मॉडल है, वो है क्लोज इकोनॉमी का मॉडल। हालांकि आज की डेट में ऐसी कोई इकोनॉमी है नहीं, ठीक है, बट 1991 से पहले, ठीक है, इंडिया जो था वो क्लोज इकोनॉमी तो तब भी नहीं था, बट आप कह सकते हो क्योंकि 1991 के बाद जाके इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, तो हम वर्ल्ड के लिए एक ज्यादा ओपन इकोनॉमी हो पाए। उससे पहले हमारा ट्रेड बहुत कन्फाइंड था, बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो कि हमारे फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा हद तक रेगुलेट करते थे। तो ये चारों कॉम्पोनेंट जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर हम सिर्फ तीन कॉम्पोनेंट की बात करें, सी प्लस आई प्लस जी, तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, सिर्फ तीन कॉम्पोनेंट अगर मैं लेके चलूं तो ये एक मॉडल है जो कि एक क्लोज इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है विद नो ट्रेड फ्रॉम आउटसाइड इट्स बाउंड्री। बट अगर मैं इन चारों को ले लूं, है ना, अगर मैं चारों लेके चलता हूं जिसके ऊपर आज का पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है, तो आई विल गेट अ मॉडल ऑफ ओपन इकोनॉमी।
ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारे पास दो तरह के मॉडल होते हैं, कौन कौन से, क्लोज इकोनॉमी का और ओपन इकोनॉमी का. सो दिस इज व्हाट वी हैव विद व्हाट वी नोन एज जीडीपी. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी दिखाई, ठीक है, और डेफिनेशन ये भी. लेकिन हाउएवर जितनी आसानी से आप सुन रहे हो, जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता जीडीपी की इवैल्यूएशन. ऑफ कोर्स ये बात है, 130 करोड़ लोगों की आबादी में आप सोचो कंजम्पशन के एक एक चीज रिकॉर्ड करना, हर एक फैक्ट्री ने कितना वैल्यूएशन किया है, उसके इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना, गवर्नमेंट के सारे खर्चे रिकॉर्ड करना, तो इतना आसान नहीं है. लेकिन है ये कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स थोड़ी टफ है, लेकिन है ये. अब आपके बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जीडीपी के बारे में जो आपको पता होने जरूरी है. पहली बात, इट ऑलवेज कैलकुलेटेड एट मार्केट वैल्यू. अब यहां से एक चीज बहुत शुरू होती है, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी उनको ज्यादा ध्यान देना है कि ये हमेशा मार्केट वैल्यू विच इज मार्केट प्राइस पे डिफाइन होती है. एक लेक्चर है, अगेन देखो मैं आपके लिए ना ये कर देता हूँ, एक चीज हेल्प कर देता हूँ जिससे कि आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपकी इकोनॉमी के, आपकी इकोनॉमी के नहीं किसी भी इकोनॉमी के स्टेटस के बारे में, जिस जिस के ऊपर हमारे पास एक लेक्चर है. मैं लिख देता हूँ इसके लिए हमारे पास एक लेक्चर है, आप चेक करना डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. इसके लिए प्रॉपर लेक्चर आपको चाहिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. और इसके ऊपर भी एक लेक्चर है, इसका लेक्चर फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से है, इसका लेक्चर डोमेस्टिक टेरिटरी के ही नाम से है, और ये जो लेक्चर है वो आपको मिलेगा फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस के नाम से. ठीक है, वहां से आप देखना. यहां मैं बता देता हूं यहां मार्केट वैल्यू पे क्यों होता है. भाई आपने गुड बनाया, आप गुड बना के अपनी फैक्ट्री में रख के बैठे हो, कैसे पता चलेगा कि किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा, है ना. अगर वो गुड मार्केट में जाएगा तभी तो बिकने के लिए रेडी होगा ना. तो इसलिए जिस रेट पे लोगों ने खरीदा वो कौन सा रेट होता है, वो होता है मार्केट वैल्यू. अगेन मैं कह रहा हूं इस चीज को अच्छे से समझने के लिए प्लीज रेफर टू लेक्चर फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट जो बिका एक प्रोड्यूसर के पास कितने में है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट. लेकिन ये चीज जितने में प्रोड्यूसर के पास है वही मार्केट में ऑफर नहीं होती है ना, क्योंकि जब एक चीज फैक्ट्री से निकल के प्रोड्यूसर तक पहुंचती है तो उसमें बहुत सारी चीजें टैक्सेस और सब्सिडी जैसी चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, और मार्केट प्राइस का मतलब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू पे. तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इस चीज को खरीदने गया स्टेशनरी से तो एक्सपेंडिचर किस पे करूंगा, मार्केट रेट पे. तो जो वैल्यूएशन आएगी हमेशा वो भी किस पे आएगी, मार्केट रेट पे आएगी. तो इसलिए जीडीपी हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट वैल्यू पे किया जाता है. ठीक है, तो पहली बात ये समझ में आ गई. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये छोटा सा इसका भी एक लेक्चर है लेकिन मैं आपको यही समझा देता हूँ, ये तो देखना हो देख सकते हैं आप. फ्लो का मतलब दो वेरिएबल्स पे हम हर चीजों को इकोनॉमिक्स को मेजर करते हैं, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल. स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आप इसी पॉइंट पे मेजर कर लेते हो, मतलब वो कोई भी चीज जिसमें टाइम डायमेंशंस नहीं है, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाएंगी. जैसे कि कंट्री की वेल्थ कितनी है वो तो उसी पॉइंट पे पता चलेगा ना, इस पॉइंट पे इतनी वेल्थ है ना. एक कंपनी की बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है कंपनी की जो ये बताती है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी के पास असेट्स कितनी है, कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है. हर साल के एंड में कंपनी अपनी बैलेंस शीट जो है पब्लिक कंपनी अपने मतलब पब्लिश करती है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है. ठीक है, तो ये फ्लो है. लेकिन फ्लो का मतलब क्या हुआ, वो चीज एक पीरियड ऑफ टाइम में नापी जाएगी, जिसमें टाइम डायमेंशन होता है उसे फ्लो कहते हैं. अब जीडीपी मैं एक पॉइंट पे नहीं मेजर करता, जीडीपी में मेजर करता हूं पूरे साल के अकॉर्डिंग, के पूरे साल में क्या हुआ कितना बनाया. तो दैट इज वाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. अगर इसके अंदर देखो, अगर किसी चीज में टाइम डायमेंशन है, मींस चाहे वो एक दिन का टाइम हो, चाहे एक महीने का टाइम हो, एक हफ्ते का टाइम हो, उसे फ्लो बोलेंगे. और मैं अभी के अभी पॉइंट पे आपसे बात करूं, ठीक है, अभी क्या स्टेटस है, तो उसे हम स्टॉक बोलेंगे, है ना. देखिए अब यहां पे देखो दो चीजें हैं, द सबस्क्रिप्ट ग्रॉस. आप देखो ये हमारा जो जीडीपी स्टार्ट हुआ है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, ग्रॉस से. इस ग्रॉस का मतलब क्या है, ठीक है, means that no deduction for depreciation is allowed.
इसका मतलब ये है, ग्रॉस का मतलब ये है कि हमने डेप्रिसिएशन को अभी एक्सक्लूड नहीं किया है, डेप्रिसिएशन अभी हमारा इसका पार्ट है, ठीक है। अब ग्रॉस और नेट क्या होता है इसके ऊपर भी एक लेक्चर है हमारे पास, ठीक है, उसे आप जरूर देख लें क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी या डेप्रिसिएशन जैसी चीजों को इतने बारे में नहीं पढ़ा, तो उसे जरूर देखें, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कंट्री ने जितने भी, मतलब जो भी उसके पास मशीनरी है, उस मशीनरी को जितना उसने यूज किया प्लस एड किया, वो सब कुछ ले रहा है उसके अंदर, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो गई है एक साल में, उसको अभी ग्रॉस में से हटाया नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड डोमेस्टिक डिफेक्ट्स। डोमेस्टिक के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, ये रहा डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक का मतलब ही क्या है, अगर कोई काम, देखो समझने की फिर भी थोड़ी सी कोशिश करना, अगर मान लो सपोजिटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ रेवेन्यू को जनरेट करता है अपनी सर्विसेज देके लंदन में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ सर्विसेज के थ्रू रेवेन्यू कमाता है, कहां से, लंदन से, क्या वो इंडिया के जीडीपी का पार्ट है, क्या वो नहीं है, क्यों, क्योंकि लंदन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। तो डोमेस्टिक का मतलब ही है वो जो मेरी कंट्री के थ्रू एडमिनिस्टर्ड एरिया है, वो एरिया लैंड का, वाटर का और एयर स्पेस का भी होता है, तो इतने जोन में जितना भी तुम अर्न करोगे उसी को डोमेस्टिक कहा जाएगा। इस जोन के बाहर से तुम कमा सकते हो लेकिन वो डोमेस्टिक इनकम नहीं है, वो एक नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, ठीक है। फिलहाल हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर है, मैं कह रहा हूँ उसको तो जरूर देखना, आपको बहुत मस्त व्यू लेक्चर है वो आपके लिए, मस्ट वॉच लेक्चर, सॉरी, ठीक है। तो डिपिक्स दैट ऑल प्रोड्यूस कंप्यूटेड आर लोकेटेड विद इन दी इकोनॉमिक टेरिटरी। मैं यहाँ पे आपके लिए एक नया वर्ड यूज कर रहा हूँ, इकोनॉमिक टेरिटरी, ताकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, डोमेस्टिक टेरिटरी को ही हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, तो कहीं पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम मोर और लेस मॉनेटरी चीजों की बात करते हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक से जनरली लोग कन्फाइंड हो जाते हैं और डोमेस्टिक से वो एक पॉलिटिकल फ्रंटियर सोचते हैं, इकोनॉमिक्स उससे ऊपर बात करता है फ्रंटियर के अलावा, ये ज्यादा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की बात करता है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोड्यूस रेजिडेंट्स ने किया है, नॉन रेजिडेंट ने किया है। सपोज इटली, इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि कोई लंदन का पर्सन है, कोई ब्रिटिशर है जो कि इंडिया में जनरेट कर रहा है कुछ भी पैसा, तो भी वो इंडिया के जीडीपी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीडीपी का मतलब सिर्फ इंडियंस के थ्रू की गई प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है, जीडीपी का मतलब इंडिया के दायरे में रह करके की गई प्रोडक्शन। अब वो प्रोडक्शन इंडिया के दायरे में रहकर चाहे मिस्टर अंबानी करे, चाहे बिल गेट्स करे, चाहे एयरटेल करे, चाहे एलॉन मस्क करे, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, डजंट मैटर उसकी नेशनैलिटी क्या है, अगर इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है तो वो इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जरूर आप डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को जरूर चेक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, आगे के बाकी पॉइंट्स देखते हैं जीडीपी के बारे में। देखो आगे अपने पास लिखा हुआ है, जीडीपी इज अ कॉम्प्रेहेंसिव स्कोर कार्ड ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो आपको इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि जो जीडीपी है वो क्या है, मॉनेटरी वैल्यू, और क्योंकि हम मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी इकोनॉमिक चीज की ही बात कर रहे होंगे, तो वही वो कह रहा है कि जीडीपी एक कंट्री का उसका इकोनॉमिक हेल्थ शो करता है। मतलब क्या है, देखो एज बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक स्टूडेंट कंसिडर करता हूं, तो आपका स्कोर कार्ड, मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, अच्छे से मेरा मतलब मान लो एक टॉपर स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, या मीडियोकर जो भी आप मान लो, या एक बिल्कुल ही लुल बटा जीरो हो, ठीक है, आप एक कैसे स्टूडेंट हो वो कौन बताता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो बताता है वो कौन होता है, वो होता है आपका स्कोर कार्ड, है ना, जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है वही आपका पूरा का पूरा इमेज शो करता है, ठीक है, कि भाई आप एक कैसे स्टूडेंट हो। सिमिलर गोज टू आर नेशन, हमारे नेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, अलग अलग सेक्टर्स में हमारा नेशन मॉनेटरी टर्म्स में कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, वो कौन शो करता है, वो शो करता है हमारे कंट्री का जीडीपी,
ठीक है, जैसे आपके 90% है, 95% है, ऐसे परसेंटेज है, आपको कंसिडर किया जाता है दैट यू विल डेफिनेटली बी अ गुड स्टूडेंट. अगर कंट्री का जीडीपी ज्यादा है तो कंट्री के लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंट्री की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो अच्छी है. जीडीपी ज्यादा होने का मतलब है मॉनेटरी वैल्यूज ज्यादा है, मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है तो फाइनेंशियली आपकी कंट्री स्टेबल है. ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से एक बात समझना, आप अपने आप से पूछ के देखो क्या जरूरी है कि एक बच्चा जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हो वो एक अच्छा स्टूडेंट ही हो. सोच के देखो, ऐसा भी कई बार ही होता है ना, हम जानते हैं कि हम इंडिया में हैं और कहीं भी हम जाए तो लूप होल्स तो होते हैं. हो सकता है कि लक साथ दे गया, चीटिंग कर ली, जिस हिसाब से आजकल पेपर लीक हो रहे हैं क्या पता उसकी वजह से भी मार्क्स आ गए हो. ठीक है, यू बेटर अंडरस्टैंड दिस. तो जरूरी है क्या कि अगर किसी स्टूडेंट के एक अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो हम उसे हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट माने? क्या ये आप मानते हो जरूरी है? नहीं ना, वो अच्छे मार्क्स की वजह कुछ भी हो सकती है. मतलब जैसे मैंने आपसे कहा, क्या पता कोई सेटिंग रही हो, अंदर से पैसे देकर के पेपर में बैठा हो, सारे आंसर सामने हो, ये हो सकता है, या पेपर लीक हो गया इसकी वजह से मार्क्स हो, या एक बार को उसने बैठ के कैसे भी करके रट्टा मार दिया और आगे मार्क्स. इजंट इट सिमिलर टू आवर नेशन? आपको जीडीपी को इम्पोर्टेंस तो देनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्री के पूरे हालात जीडीपी ही बताता है. ठीक है, देयर इज अ टॉपिक व्हिच इज लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी. ठीक है, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन फर्दर लेक्चर्स के जीडीपी एक कंट्री के लिए जरूरी तो है लेकिन सफिशियंट नहीं है कि अगर आप जीडीपी को देख के उसे ब्रह्मशास्त्र मान लो कि भाई जीडीपी अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा. ऐसा नहीं होता, जीडीपी की बहुत सी लिमिटेशंस है, जीडीपी बहुत सारी चीजों को जो कि आपकी कंट्री के हिसाब से बहुत जरूरी है कंसिडर नहीं भी करता. राइट, तो एक कंट्री के जीडीपी को हमें इंपॉर्टेंस देनी है बिकॉज इट इज सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट. बट इस चीज को भी आपने याद रखना है, इट इज नॉट ओनली द सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट, ये अकेला सिग्निफिकेंट नहीं कॉम्पोनेंट है. जीडीपी का अच्छा होना इकोनॉमिक हेल्थ जरूर है, लेकिन साथ में हमें और भी चीजें पढ़नी होती है जिससे हमें कंट्री के वेल बींग का पता कर सकते हैं कि वो कंट्री कितनी वेल बींग है. ये तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस को बता देगा. ठीक है, इस चीज को आपने अच्छे से समझ लेना है क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे लिमिटेशंस. तो जीडीपी को देख के इतना फैसिनेट नहीं हो जाना कि भाई जीडीपी अच्छा मतलब देश हमेशा अच्छा ही होगा. बहुत सारी चीजें और भी होती है जो हमें समझनी है, वो हम आगे लेक्चर्स में समझेंगे. जो हमारा एक टॉपिक होगा विच इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वर्सेस जीडीपी ग्रोथ. एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, अब बात करते हैं. तो जीडीपी इज मेजर्ड एनुअली बट इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड क्वार्टरली. यहां आपने बहुत इंपॉर्टेंट मतलब देनी है, ध्यान देना है यहां पे आपको कि वो कह रहे हैं कि जीडीपी को आप एनुअली तो कैलकुलेट करते ही हो लेकिन आप इसे क्वार्टरली भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसको प्लीज समझने की कोशिश करना. हम हमेशा समझते हैं साल में कितना बनाया, विभिन्न मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर, हम एनुअली की बात कर रहे हैं. लेकिन मॉडर्न टाइम में जब हम जीडीपी की कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं. क्वार्टरली क्या हुआ, लाइक हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव इन अ ईयर, 12 मंथ्स. सो क्वार्टर विल बी 1/4 क्या होता है 1/4, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर, व्हिच इज क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून, क्वार्टर 2 जुलाई टू सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर टू दिसंबर एंड क्वार्टर 4 जनवरी टू मार्च. आप किसी भी पब्लिक कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को उठा के देखना है, यू विल फाइंड के क्वार्टर के हिसाब से वो लोग पब्लिश करते हैं कि जियो का क्वार्टर 1 का प्रॉफिट इतना आया था. राइट, जियो ने क्वार्टर 2 में इतने मिलियन सब्सक्राइबर का ग्रोथ किया है, एयरटेल ने क्वार्टर 3 के अंदर इतना लॉस बियर किया है. तो क्वार्टर के बेसिस पे अब हम जीडीपी को भी वैल्यूएशन करते हैं. हर 3 महीने का वैल्यूएशन होता है. कैसे होता है, जैसे अप्रैल मई जून गया है ना, तो इसके बाद आगे के फॉलोइंग 2 महीने में आपको रिपोर्ट पब्लिश करनी थी 2 महीने के बाद. ठीक है, वर्किंग डेज को मिलाकर के, मतलब वर्किंग डेज मिला के मींस नॉन वर्किंग डेज को एक्सक्लूड करके आप करते हो. जैसे मतलब जून अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून का जो आपको जीडीपी है या जो भी आपकी बैलेंस शीट है वो आपको कब तक बतानी पड़ेगी, जुलाई अगस्त, 2 महीने का टाइम. तो अगस्त के एंड तक यू नीड टू पब्लिश के क्वार्टर 1 का स्टेटस क्या था. ठीक है, ऐसा करने की वजह क्या है आप समझो. हर कंट्री अपना एक जीडीपी ग्रोथ रेट सेट करती है. ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ये सारे लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएंगे जीडीपी के, जितने भी लेक्चर्स हम आगे फॉलोइंग, मेरे ख्याल ये लेक्चर 1 है हमारा जीडीपी को लेकर के सिर्फ,
आगे हम तीन और चार लेक्चर और लेंगे टोटल में। उन टोटल चार लेक्चर्स के बाद मैं आपसे इस बात की एश्योरिटी लेता हूँ आपको इस बात की कि आपको उसके बाद पूरे के पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो जीडीपी से जुड़ा जितना भी है सब समझ में आ जाएगा। जीडीपी का कोई भी डाउट इन सारे लेक्चर्स के बाद आपका नहीं रहेगा। रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर हम किसे बोलते हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जीडीपी के अलावा क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जीडीपी ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में जीडीपी में क्या है, ठीक है, कैसे जीडीपी को बढ़ाने पे और किस कौन से सेक्टर के जीडीपी कंट्रीब्यूशन से किस कंट्री को कैसे फायदा होता है, ये सारी चीजें मतलब एक कंट्री का पूरा कॉम्पोजिशन मैं आपको समझा दूंगा जिससे कि आपको न्यूज तो समझ में आएगी और करंट स्टेटस जो है किसी भी कंट्री का आप सेकेंड्स में पता कर लोगे कि वो कितनी हेल्दी कंट्री है या नहीं है, राइट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब होता क्या है कि मैंने क्या कहा क्वार्टर बेसिस पे क्यों, आपको पता होगा अभी लास्ट कुछ 6-8 महीने से हमारी कंट्री का स्टेटस ठीक नहीं चल रहा। बार बार जो इकोनॉमिस्ट हैं लोग हम कह रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन। ठीक है, तो ये रिसेशन क्या है, बूम क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक बस्ट क्या है, इकोनॉमिक बूम क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो आप उसके लिए टेंशन मतलब जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ हर एक टर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए आपको प्रॉपर एक लेक्चर भी दूंगा मैं ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल में क्लियर हो। फिलहाल आप ये समझो कि मान लो हर कंट्री अपना टारगेट सेट करती है कि इस साल हमें इतनी परसेंट ग्रोथ चाहिए। भाई आप भी तो अपना टारगेट सेट करते हो ना कि इस साल मेरी इतनी सैलरी बढ़ जाए, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सेट करता हूँ कि इतने मार्क्स मेरे बढ़ जाए, तो कंट्री का भी तो स्कोर कार्ड है ना, वो भी तो चाहती है बढ़ जाए। तो कंट्री भी क्या करती है, अपने एक बेंचमार्क को सेट करती है कि इस साल हमें इतने परसेंट की ग्रोथ चाहिए, है ना। ठीक है, जनरली आइडियली ये जो ग्रोथ रखी जाती है जीडीपी की, भाई कितना जीडीपी ग्रोथ करना चाहिए, दैट इज अप टू 2-3% 0.5 का मतलब इफेक्ट भी हो सकता है, 2-3% हम एक आइडियल ग्रोथ मानते हैं 2-3%। लेकिन ये डेवलप्ड नेशन के केस में ट्रू है, जो वर्ल्ड में डेवलप्ड नेशन लाइक यूएसए वगैरह इनके लिए ठीक है, इतने ट्रिलियन के 2-3% भी बढ़ेंगे ठीक है। क्यों 2-3% बढ़ने पे इंटरेस्ट ठीक है, वो हम एक बिजनेस साइकिल का टॉपिक मतलब इकोनॉमिक बूम रिसेशन पढ़ेंगे तब समझा दूंगा मैं आपको। लेकिन हम जैसे नेशन जो डेवलपिंग है, ठीक है, हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, 2-3% की ग्रोथ में कुछ नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ रखते हैं। ठीक है, तो आपने ग्रोथ सेट करी कि भाई मुझे 7% की या 8% की ग्रोथ चाहिए, ठीक है, टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, अब अगर मैं आप खुद सोच के देखो, अगर आप इस ग्रोथ रेट को साल के एंड में मेजर करोगे, असेस करोगे, अगर उस टाइम पे अचीव नहीं भी हो पाई तो क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते ना, तो साल बीत गया। इसीलिए हमने 3-3 महीने के क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया ताकि इन 3 महीने में हम अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके, भाई ग्रोथ हो भी रही है या ग्रोथ ही कम हो गई है। 7% तो अचीव करना था वो तो ठीक बात है, पहले ये तो देख लो कि तुम्हारा जो पहले से 6% ग्रोथ चला आ रहा था वो 6% ग्रोथ भी 6% रह गया या 4 या 5 पे पहुंच चुका है, राइट। हम क्या करते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज जाते हो, इंटर्नल्स होते हैं ना, इंटर्नल्स क्या है, इट्स जस्ट एन असेसमेंट दैट व्हाट यू कैन परफॉर्म इन योर फाइनल, राइट, यूटी वगैरह होते हैं ना, तो सेम ही वही है, ये 3-3 महीने का असेसमेंट किया जाता है ताकि इस असेसमेंट के बेसिस पे हम ये चीज देख सके कि हमारी इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इतना है कि जो ग्रोथ हमने सेट की थी हम उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम 3-3 महीने के क्वार्टर्स में डिवीजन करते हैं। ठीक है, इस चीज को आपने बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेना है, इसीलिए डिवीजन किया जाता है। हर पब्लिक कंपनी जो आपको मिलेगी, पब्लिक सेक्टर मिलेगा, बैलेंस शीट ध्यान से देखोगे क्वार्टर के वाइज आपको पब्लिश करते हुए मिलता है हर बार। ठीक है, अब बात तो ये सारी चीजें हो गई। अब इंडिया में जीडीपी की वैल्यूएशन कौन करता है, कुछ देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था विच वॉज दैट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO। इंडिया में जितना भी डेटा जीडीपी का पब्लिश होता है वो कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI। ये एक हमारी गवर्नमेंटल क्या है, बॉडी है,
ठीक है, जिसके अंदर मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जिसके अंदर सीएसओ काम करता है, और इस सीएसओ का काम होता है वो सारा डेटा आईटी डिपार्टमेंट से प्लस वेरियस सोर्सेज से जो डेटा है जो इसको मिला है उनको देखना समझना और उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को तैयार करना। तो इंडिया के अंदर जीडीपी का सारा वैल्यूएशन उसकी पब्लिश कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। किसके अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर है। ठीक है, तो यूएसए में देखो ये कौन कर रहा है? ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। जो काम हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है, यूएसए में कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। सारा डेटा कलेक्ट करना, पब्लिश करके जीडीपी बताना। ठीक है, अब ये तो सारी बात होगी जीडीपी। अब जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? जीडीपी को कंप्यूट करने के वी हैव थ्री मेथड्स। देखो मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो ये दो मेथड यूज होते हैं। जब आप सीएसओ की रिपोर्ट चेक करोगे तो आपको सीएसओ की रिपोर्ट पे सबसे ज्यादा ये दोनों मेथड दिखाई देंगे। ठीक है, हाउएवर थ्री मेथड्स वी हैव, तीनों मेथड से हमें जीडीपी मिलता है। ठीक है, पहला है वैल्यू एडेड मेथड। एक अभी हम एक पूरा लेक्चर लेंगे कि पूरा मेथड क्या है, कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है, कैसे वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, वो आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे हम। इस मेथड में बेसिकली क्या, आपको हिंट देता हूं। इस मार्कर को बनाना था, मार्कर को बनाने के लिए क्या किया होगा? रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, जैसे कि प्लास्टिक परचेस किया होगा, इंक परचेस की होगी, है ना। इसके अंदर जो फाइबर यूज हुआ जिसमें इंक हम पोर करते हैं वो यूज हुआ होगा, प्रिंटिंग हुई होगी। मतलब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एन इंडस्ट्री नीड्स वेरियस रॉ मटेरियल्स। आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, उस रॉ मटेरियल को परचेस करके आपने प्रोसेस किया, मतलब अपने मशीन्स लेबर, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने प्रोसेस करके इस मार्कर को मतलब मटेरियल को कन्वर्ट करके इस मार्कर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फिनिश गुड बना दिया। क्या किया आपने? एक्चुअली किया क्या आपने? आपने किया ये कि एक रॉ मटेरियल की वैल्यू को ऐड किया, है ना। प्लास्टिक ऐसा तो नहीं होगा, इसकी वैल्यू को ऐड करके आप फिनिश गुड बनाते हो, है ना। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप एक बेकरी शॉप पे गए, बेकरी शॉप वाला क्या करता है? बेकरी शॉप वाला अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेता है और उन इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल मिला करके केक बनाता है, तो वो उन चीजों की वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो वैल्यू एडेड मेथड आपसे यही कहता है वैल्यू एडिशन में कि किस किस सेक्टर ने किस किस चीज के कॉम्पोजिशन में कितना एडिशन किया। वो जितना भी देश में एडिशन हुआ है उस सारे एडिशन को आप ऐड करते हैं एंड वी गेट आवर जीडीपी। एक चीज मैं आपको यहां बताऊंगा लेकिन वो डिफरेंस हम लेटर आगे क्लियर करेंगे। जब हम वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करते हैं तो ये हमें जीवीए देता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। There's a sharp difference between GVA and GDP. हम आगे इस लेक्चर को पढ़ेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में और GDP में क्या डिफरेंस है। आपने याद रखना, डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है, उसे कन्वर्ट किया जाता है बाद में GDP में। ठीक है, फिर इनकम मेथड। इनकम मेथड बहुत सिंपल अप्रोच है, ये कहता है कि देश में लोग बहुत तरीके से इनकम अर्न कर रहे हैं, वाइट इनकम। वो सारी इनकम जो देश अर्न कर रहा है उन सारी इनकम को प्लस कर दो एंड यू विल गेट योर GDP, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड तो उसी आइडिया पे वर्क है जो हमने पहले पढ़ा था कि क्या है, जितना वैल्यू एडिशन होगा मतलब जितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे उतने ही तो खरीदे जाएंगे। खरीदे जाने का मतलब क्या है? उतने ही पे तो खर्चा किया जाएगा, तो उन सारे खर्चों को आप ऐड कर दो, ठीक है, एंड यू विल गेट योर जीडीपी। तो देयर थ्री मेथड्स टू इवैल्यूएट आवर जीडीपी। वैल्यू एडेड के मटेरियल को कितना प्रोसेस करके मतलब कितना उसमें वैल्यू ऐड करके फिनिश गुड बनाया गया, ठीक है। इसमें आठ इंडस्ट्रीज का डेटा हम यूज करते हैं, आठ इंडस्ट्रीज। जब हम वो टॉपिक करेंगे, मेथड पूरा पढ़ेंगे, तब बात करेंगे कौन सी आठ इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। इनकम मेथड, हर तरह की होने वाली इनकम्स को ऐड कर दो, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कितना कितना खर्चा हो रहा है देश के अंदर। अब सोचो खर्चा करेगा कौन? चार सेक्टर। चार सेक्टर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, एडी इक्वल टू सॉरी जीडीपी, उसे एग्रीगेट डिमांड को जीडीपी बोलते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये वही तो आ गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, सारी चीजें ऐड कर दो, तो ये आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जीडीपी, ठीक है, ये आपके जीडीपी के बारे में। लेकिन जीडीपी से हमें बहुत सारी चीजों को इवैल्यूएट करना होता है। देखो यहां से हम जीडीपी निकालते हैं मार्केट प्राइस पे।
मार्केट प्राइस पे निकलता है, फिर उसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का, और उस डिफ्लेटर को यूज करके हम उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मार्केट प्राइस पे जीडीपी डिफ्लेटर को हम यूज करते हैं, फिर उसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ से सब हमें नॉमिनल जीडीपी मिलता है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉमिनल जीडीपी, राइट। नॉमिनल के अलावा रियल जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको सीएसओ की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, ठीक है। सीएसओ की रिपोर्ट, जिसमें सीएसओ ने एक्सपेंडिचर मेथड की रिपोर्ट मैं आपको शो करता हूँ, सीएसओ की 2018-19 के क्वार्टर वन की रिपोर्ट, कि किस तरीके से जीडीपी की वैल्यूएशन सीएसओ करता है, ठीक है। चलो अब उस रिपोर्ट को देखते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने क्या किया है, सीएसओ का एक पब्लिश हुआ था डेटा 31st of August 2018 को। मैंने कहा था ना आपसे कि दो महीने के अंदर अंदर एक क्वार्टर के खत्म होते ही पब्लिश करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको एक जीडीपी का पूरा इवेल्युएशन दिखाया है, जो एग्जैक्टली इसी यही वो इवेल्युएशन है जो एक कंट्री अपने जीडीपी के लिए इंडिया ने किया था। कब का है ये? अप्रैल टू जून क्वार्टर वन, ठीक है। अब आपने एक चीज थोड़ी सी जो ध्यान से देखनी, देखो जो इसके कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है, इन कॉम्पोनेंट्स को तो हम पूरा एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, तो उस पूरे एक्सपेंडिचर मेथड में आपको मैं समझाऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। बाकी एक हिंट देता हूं मैं आपको, आपने पढ़ा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर आपने पढ़ा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना हमारे देश में, उन इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है। एक जो वीडियो मैंने आपसे कही डेप्रिसिएशन वाली देखने को, आप उसमें चेक करना, उससे जस्ट पहले एक लेक्चर है हमारा ग्रॉस एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्लीज उस लेक्चर को देखना, देन यू विल गेट टू नो के ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज द अनदर नेम ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन योर नेशन। तो ये आ गया, उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है हमारी कंट्री की टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। तो ये सारे वो आइटम्स हैं, देखो एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है, ये सारे वो आइटम्स हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये पूरा डेटा है, दोनों डेटा है जो कि अप्रैल टू जून क्वार्टर वन के हैं, ठीक है। अब बात आती है सर दो डेटा क्यों है, डेटा तो एक ही होना चाहिए था। देखो एक चीज ध्यान से देखना, मैंने यहां पे लिखा है 2011-12 के प्राइसेस पे, जबकि मैंने यहां पे लिखा है एट करंट ईयर प्राइसेस। जब भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो दो तरह से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है बेस ईयर पे कैलकुलेट करना, मतलब इस मार्कर के प्राइस को मल्टीप्लाई करना, से मैंने बेस ईयर 15-16 ले लिया। तो मार्कर मान लो इस साल मैंने 100 मार्कर बनाए, मैं बात कर रहा हूं 19-20 की, मान लो तो 100 मार्कर बनाए, लेकिन इसका प्राइस मुझे 2015 और 16 का लेके चलना है। मान लो उस टाइम पे थे ₹15 का प्राइस, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 मार्कर की यूनिट्स को किससे, ₹15 से। ये आएगा रियल जीडीपी, ठीक है। लेकिन इस साल इसके प्राइसेस ₹20 हैं, तो मैंने क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, क्योंकि करंट ईयर प्राइसेस कितने हैं 20, तो कितना आएगा आपके पास 200, 100 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 2000, जबकि प्रीवियस केस में कितना है 1500। तो जब हम बेस ईयर को, बेस ईयर के प्राइस को कंसिडर करके मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जीडीपी निकालते हैं, तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। और जब हम करंट ईयर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करंट ईयर प्राइसेस को करंट ईयर आउटपुट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब एग्जैक्टली ऐसा करते क्यों है और इसकी मतलब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है बाद में, वो सब आगे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ेंगे। एक पूरा लेक्चर मैं आपको दूंगा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, ठीक है। सो ये चीज है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी, इस चार्ट से आप देखने की कोशिश करो, वो ये देखो कि चाहे मैं बेस ईयर की बात करता हूं, मतलब रियल जीडीपी की, चाहे मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करता हूं, इन दोनों ही केसेस में हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है आप देख सकते हो वो किसके ऊपर है। तो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी ने किसके ऊपर कर रखा है परसेंटेज की फॉर्म में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब देश में जितना भी खर्चा हुआ उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किस पे है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स पे, राइट, ठीक है। इसके बाद आप देखो एक्सपोर्ट की फिगर को जरा चेक करो, ये एक्सपोर्ट हो गया हमारा,
एशिया का, और अगर हम एशिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो ये रहा एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब एक चीज आपने समझनी है, जिस देश के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं उस देश में पोटेंशियल ज्यादा होता है बिजनेस के ग्रो करने का, है ना। देखो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो कब करोगे, आप कब करोगे या कहां करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे एक ऐसी जगह पे जहां पोटेंशियल हो, राइट, लोग खरीदने वाले हो, खरीदते हो उस चीज को, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे, इजंट इट, ठीक है। क्योंकि जब लोग खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। नहीं, व्हाट इफ कि लोग बहुत माइजर है, कंजूस है, स्पेंड नहीं करते ज्यादा, इन सच केस डू यू थिंक दैट योर बिजनेस इज गोइंग टू बी ग्रो? नो, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग खर्चेंगे ही नहीं, तो आप बिजनेस खोल के बैठ जाओ, लोग आएंगे नहीं, कस्टमर आएंगे तो काम कैसे चलेगा। यही एक रीजन है जो इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर कोशिश करते हैं लेके आए, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बाहर के लोग इसीलिए इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोग कंजम्पशन के फॉर्म में खर्चा बहुत करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन कि आपका कोई भी देश जिसके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है उस देश को संभाल पाना बहुत आसान होता है, वो देश रिसेशन में आसानी से नहीं जाता क्योंकि कंजम्पशन तो हो ही रही होती हैं। इसके साथ एक एक्सपोर्ट के मैंने डेटा जो आपको बताया वो क्यों बताया उसको देखो आप। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का स्टेटस आपके ग्लोबल सिनेरियो को रिफ्लेक्ट करता है, इजंट इट भाई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पूरा ग्लोबल ही होगा, एक्सपोर्ट में हम भेज रहे हैं, इंपोर्ट में मंगा रहे हैं। अगर आपके एक्सपोर्ट परसेंटेज कम है, देखो इसकी दोनों ही साइड है, फिलहाल मैं एक पॉजिटिव साइड की बात करूंगा, एक्सपोर्ट्स के बाद में आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट क्या होगा और नेगेटिव्स क्या होंगे, वो तो हम एक चैप्टर है जो कि प्रॉपर हमारा फॉरेन ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हम पढ़ ही लेंगे। बट फिलहाल आप समझो अगर एक्सपोर्ट परसेंटेज आपकी कम है ना तो ये आपको ग्लोबल रिसेशन के टूवर्ड्स बेनिफिट देता है। एक्सपोर्ट्स आप कम करते हो उसका मतलब है बाहर से बहुत ज्यादा आपका सामान जाता नहीं है। अगर ग्लोबल रिसेशन आ भी गया, मान लो वर्ल्ड के बाकी सारे बहुत सारे पार्ट में रिसेशन आ भी गया, आपका उनसे ज्यादा लेना देना है नहीं, आप तो अपने देश में सारे काम करके खुश हो। तो अगर आपका ज्यादा लेना देना है भी नहीं तो उनके क्राइसिस आपको इतने ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं भी करेंगे। अभी आप अभी के एग्जाम्पल से समझ सकते हो, अभी कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, अगर आपको पता होगा तो आरबीआई की रिपोर्ट ने क्या कहा था, अगर आप याद सुनो तो, अगर आपने सुनी होगी वो रिपोर्ट न्यूज में, आरबीआई ने कहा था कि वी आर इन अ स्टेबल पोजीशन, मतलब ऑब्वियसली बात है इसकी वजह से सब देशों को फर्क पड़ रहा है, हमें भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हम इतने ट्रबल में नहीं है, ठीक है। क्यों? एक्सपोर्ट स्टेटस आप देख सकते हो, तो आपके पास रिजर्व्स अच्छे खासे ऑलरेडी थे, इसलिए हम इतने बड़े क्राइसिस में उसके बाद भी अभी तक नहीं पड़े। हमारी इकॉनमी, मतलब ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा तो स्लो डाउन पहले से ही चल रहा था, रिसेशन में तो हम है ही, लेकिन इतने भी बुरे हाल नहीं हो जाएंगे इस चीज के बाद के लोगों को बिल्कुल भूखा मरना पड़े, क्योंकि स्टेटस अभी हमारी कंट्री का एक स्टेबल जोन में है। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ योर जीडीपी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। प्लीज ये जो वीडियो है जीडीपी के बारे में, इट्स नॉट अबाउट फॉर 12th स्टैंडर्ड, इट्स नॉट फॉर यूपीएससी, इट्स फॉर अ जनरल अवेयरनेस, ये आपके लिए जनरल नॉलेज का काम करेगी। आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो से के थ्रू आपको एटलीस्ट अपने आसपास होने वाली सराउंडिंग्स की, जीडीपी इकोनॉमिक्स की कुछ नॉलेज तो आएगी। बाकी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आगे के लेक्चर्स आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ जीडीपी था, अभी जीडीपी ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, पोटेंशियल ग्रोथ क्या है, एक्चुअल ग्रोथ क्या है, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन किसे बोलते हैं, है ना, ये सारी चीजें, जीवी और जीडीपी का डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पे हम जीडीपी को एक अच्छा इंडिकेटर मान चुके हैं और किन बेसिस पे हम उसे एक लिमिटेशन के तौर पे भी पढ़ते हैं। तो देयर इज लॉट टू लर्न अबाउट जीडीपी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।